जाइए। कारण क्या है? कारण ये है कि आज हम लोग रोड पर आ गए हैं, हम लोगों के आमदनी का कोई भी स्रोत अब सरकार के अंदर नहीं रह गई है। यहाँ तक कि कमीशन भी आज 2-3 साल से नहीं मिला है जो मिलना चाहिए। इसके बाद जो PMGKY जो गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मिलता था वो भी नहीं मिला। इसके बाद जो हम लोगों की वर्तमान में पैसा जो फंसा हुआ है खाद्यान्न का वो अभी नहीं मिला, तब तक मुफ्त खाद्यान्न वितरण करने का आदेश दे दिया गया। ये सारे बहुत सारे मांग है जिसको लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इस प्रदर्शन के बाद यहाँ के आपके जो BLO होंगे, हाँ थे, उनको आप मांग पत्र भी दिए हैं? हम अपने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को दिए हैं अभी अभी। इसके बाद जिसे जिसे जरूरत पड़ेगी हम लोग संपर्क करेंगे। अनुमंडल स्तर पर जिला स्तर पर चार सूत्री मांगे हैं। चार सूत्री कौन कौन? सबसे पहला तो ये है कि हम लोगों को कमीशन के रूप में कम से कम 440 रुपया प्रति क्विंटल माने कमीशन दिया जाए। और दूसरी की अगर सरकार कमीशन नहीं दे पा रही है तो हम लोगों को कम से कम 25,000 रुपया प्रति माह मानदेय मिलना चाहिए। कई सूत्री मांग आप मुझसे किए हैं, कौन कौन सूत्री मांग है? मांग है कि हम लोगों का PMGKY का जो अनाज है वो स्टॉक में पड़ा हुआ है उसका कमीशन हम लोगों को 2 वर्ष से नहीं मिला है, कमीशन दिया जाए। जो जो गेहूं चावल है उसको NSC में कन्वर्ट किया जाए, और जो हम लोगों के पैसा है लगा करके अनाज जमा किए हैं मशीन में उसको भी फ्री कर दिया गया है तो भी पैसा वापस हम लोगों को हम सरकार को दिए हैं। नहीं, हम लोग हड़ताल पर जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हमारी मांगे पूरी करें। जिंदाबाद।